मैंने शॉप खोली थी पापा अपने सबने पैसे लगाए थे और शॉप खोली है पहले तो चल रहा था शॉप काफ़ी अच्छी चल रही थी तो मैं उसी की शॉप खोली है वर्मा स्टेशनरी की शॉप है कितने टाइम तो पहले खोली थी ये शॉप ये सर अब मुझे थ्री इयर्स हो चुके हैं उसमें व जो फर्स्ट ईयर था ना वो काफ़ी अच्छा चला मेरा बस सेकंड ईयर सेकंड ईयर से भी थोड़ा चलना लगा पर थर्ड ईयर में जो अभी चल रहा है बहुत लॉस हो गया है तो इस वजह से मैंने अभी जॉब पकड़ी है और जॉब मेरे को ट्वेंटी सैलरी मिल रही है बट उसमें फाइव थाउजेंड चली जाती है गवर्मेंट चार्ज और मेरे को ना उसका जो पैसा जो मेरी जॉब से आ रही है वो मुझे लगाना पड़ रहा है वहाँ पर भी दुकान आपकी अपनी है हाँ, मेरी खुद की दुकान है कितनी बड़ी दुकान है ज्यादा बड़ी नहीं है सर एक हॉल टाइप का है तो वो दुकान अगर आप किसी को रेंट पे देते हो जी तो कितना रेंट आ जाएगा आएगा सिर्फ जी तो सेल कितनी हो जाती है वहाँ से वे धीरे 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 करके वहाँ पे मतलब कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गए हैं तो उस वजह से जो मेरा बिल्कुल डाउन हो गया सर आप कितनी सेल हो रही है आपकी अभी तो सर बहुत कम हो गई है इसलिए मैंने जॉब पकड़ी बिकॉज अभी घर में भी कोई नहीं है जिसको उसको कर पाए उसको संभालता कौन है अगर आप जॉब कर रहे हो तो अभी तो भाई संभाल रहा है और जो आपका भाई है अगर वो कहीं पे जॉब करता है तो क्या उसको भी कुछ सैलरी मिल सकती है हाँ मिल तो सकती है सर कितनी मिल जाएगी उसको भी ट्वेंटी ट्वेंटी तो क्यों उसने कुछ किया हाँ, हुआ है? वो भी पास हो चुका है अभी

तो क्या वो एक मार्केट है जहाँ पे आपने खोल रखा है या अंदर छोटी सी गली में कहीं पे खोल मार्केट है, है सर बट मेरे को देखते देखते ना और जिन्होंने वहाँ पे कॉम्पिटिशन में और खोल रखी है आप खोली है और वो आपसे बड़ी होंगी हाँ वो मेरे से बड़ी है तो लोगों को वहाँ ज्यादा वैरायटी मिलती होगी तो जो स्टेशनरी का सामान है ना वो उन लोगों का बहुत वो कर रखा है मार्जिन बहुत गिरा रखा है उनका तो इस वजह से पूरा डाउन हो गया सर तो मैं ये समझ नहीं आ रहा है सर मैं जॉब करूँ या फिर जो वो स्टेशनरी का बिजनेस है उस पर ध्यान दूँ क्योंकि फर्स्ट मंथ में जो फर्स्ट ईयर में तो प्रॉफिट हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा साइकोलॉजी में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एंकरिंग बायस वो क्या होता है कि एक बार आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ में या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपका एक तरीके से एंकर बन जाता है उसके थ्रू आपका जो माइंड है आपके जो थॉट्स हैं वो चलने लग जाते हैं यानी हुआ क्या कि पहले साल में आपको कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो आपका एक तरीके से एंकर बन गया सो सबसे पहले तो इस बायस से बाहर निकलना होगा यानी कि ये जो आप अभी काम कर रहे हो वापस से उसको अचीव करने के लिए ये तरीका ठीक नहीं है पहले आपको अभी की रियलिटी को समझना होगा कि अभी करंट मार्केट की क्या रियलिटी है अभी उस लोकेशन की क्या रियलिटी है उसको समझ करके फिर उसके हिसाब से एक डिसीजन लेना होगा जैसे मुझे जो समझ आ रहा है आपकी सिचुएशन में दो ऑप्शन है एक ये कि आप जहां पे जॉब कर रहे हो वहीं पे आपके भाई की भी जॉब लग जाती है और आपको महीने का चालीस पचास हजार रुपए आता है टोटल आपके घर में विच इज नॉट बैड असल स्टेबल भी तो नहीं है ना जैसे जॉब है अब जैसे मेरा काम वहाँ पे नहीं हो पाया ढंग से तो फिर वो तो निकाल देंगे मेरे को और अगर वहाँ से निकालते हैं तो क्या कहीं और आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से या नहीं मिलेगी मिल तो जाएगी सर बट तो उससे मतलब वहाँ का मुझे एक्सपीरियंस अच्छे से हो गया ना किस फील्ड में जॉब मेरी टेलीकॉलिंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में है तो कोल्ड कॉलिंग करते हो आप कोल्ड कॉलिंग भी करता हूँ कोल्ड कॉलिंग भी करते हो और जो इनबाउंड आती है वो ज़्यादा करते हो आउटबाउंड ज़्यादा करते इनबाउंड आउटबाउंड दोनों कॉलिंग में कुछ सेल करते होगे और सेल करके उसमें इंसेंटिव होगा हाँ सर इंसेंटिव सही हो ही है

सबसे पहले तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि जिस एरिया में आपने वो स्टेशनरी शॉप खोली थी वो एक टाइम पे बहुत अच्छा था क्योंकि वहां पे आप अकेले थे एक तरह की आपकी मोनोपली थी लेकिन आज वहां पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और वो आपसे सस्ते में माल बेच रहे हैं तो लोग वहां पर जा रहे हैं आपके पास नहीं आ रहे तो अननेसेसरी इसको पकड़ करके बैठने का कोई सेंस नहीं है या तो इस दुकान को रेंट पर देना चाहिए ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू इस दुकान पर कुछ और करना चाहिए जरूरी नहीं है ना कि हमने स्टेशनरी का काम किया तो वही करेंगे जिंदगी भर किसी किताब में थोड़े लिखा है जैसे पहले एक जमाने में एक तरह के मोबाइल फोन आते थे उसके बाद में स्मार्टफोन आए तो ऐसे कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने कसम खा ली कि हम तो ऐसे ही मोबाइल फोन बेचेंगे उनका क्या हुआ खत्म हो गए बर्बाद हो गए वक्त के साथ बदलना ही पड़ता है तो आपको देखना होगा कि टाइम कैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से या तो कोई काम करना होगा और वो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें मार्जिन अच्छा हो यानी उस एरिया में डिमांड तो हो लेकिन सप्लाई ना हो लेकिन ये भी समझना होगा कि अगर वो काम आपका चल गया तो जो स्टेशनरी में हुआ वही वहां पर भी होने वाला है यानी कि ये सर पहले साल में तो आप कमा लोगे हाँ। उसके बाद में अगर वो काम चलता हुआ दिख गया आसपास वालों को उनको तो दिख गया कि यहां पर इतने लोग आ रहे हैं तो अगले साल और दुकानें खुल जाएंगी तो क्या इसके अलावा यानी स्टेशनरी के अलावा कोई और थॉट आपके माइंड में चल रहा है कि क्या काम वहाँ पे किया जा सकता है उस लोकेशन में वहाँ पे सर एंटरप्राइजेस का ही चल सकता है वैसे वॉट यू मीन बाई एंटरप्राइजेस मतलब जैसे कि टी वी रेफ्रिजरेशन ये सब मोबाइल शॉप्स मतलब पूरा वो बनाना पड़ेगा सर जैसे एंटर फ्रिज हो गए वॉशिंग मशीन हो गए बट दुकान पर, तो बहुत छोटी है आपकी उसमें हाँ, ये सब कैसे करोगे ये सब नहीं हो पाएगा ना सर इसलिए तो ये नहीं हो पाएगा ना तो आप ये क्यों कह रहे हो कि यही काम चल पाएगा और कोई काम क्यों नहीं चल पाएगा पे जो काम चल रहे हैं सर यही ज्यादा चल रहे हैं वहाँ पे ये एक और बायस है मतलब आपने जो देख लिया वही आपको लग रहा है कि वही काम चल सकता है जबकि यहाँ पे भी गड़बड़ क्या है कि जिसका काम चल रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है जिस वजह से वो काम चल रहा है हो सकता है वही काम आप करो तो वो काम बुरे तरीके से फेल हो जाए ये भी सही तरीका नहीं है काम को करने का आप समझ रहे हो ना बिजनेस में हम क्या गड़बड़ करते हैं या तो पास्ट में सक्सेस मिल जाती है उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं जबकि टाइम बदल चुका है एक गलती हमने ये पकड़ी दूसरी क्या कि उस एरिया में हमने देखा कि ये दुकानें चल रही हैं तो हमने भी खोल दी बट वहां पर हो सकता है कि वो दुकानें जो चल रही हैं वो साइज में आपकी दुकान से बहुत बड़ी है उनके पास में बहुत पैसा है लगाने के लिए वो बहुत पुराने हैं उनका एक रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है उनका एक ट्रस्ट है उनका एक नाम है जिस वजह से वो चल रही है और ऑलरेडी इतनी ये वाली दुकानें खुल गई है कि आप खोलोगे तो पहले ही पता है कि वो नहीं चलने वाला ये भी है सर देखो ध्यान से सुनो ध्यान से समझो लाइफ में क्या होता है ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है लाइफ में और भी सारे जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना उसमें क्या होता है कि कोई ऐसी चीज होती है या कोई ऐसा इंसान होता है जिससे कभी हमको पास्ट में कोई बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाता है लेकिन अब वो जो चीज है या वो इंसान है इंसान है तो टॉक्सिक हो गया है या काम है तो वो लॉस मेकिंग है फिर भी हम उस काम को या उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हैं क्यों आदत हो गई है या फिर ईगो है कि दुनिया क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे कि देखो काम किया और फेल हो गया तो मैं तो इसी काम को चला के दिखाऊंगा मेरे ऊपर फेलियर का ठप्पा लग जाएगा अगर मैंने इसको बंद किया तो तो सबसे पहले तो ये जो बायस है ना आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है इससे बाहर निकलना पड़ेगा वक्त बदल चुका है इस सच को देखो और मूव ऑन करो या एक और भी रीजन होता है इसको पकड़ करके रखने का वो भी बताता हूं क्या होता है महीने का डेढ़ दो हजार रुपये तीन हजार रुपये तो आ ही रहा है तो आप या आपके घर वाले सबके माइंड में क्या आएगा कि आता हुआ पैसा क्यों छोड़ना है आने दो ना कुछ तो आ ही रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इस थॉट से निकलने के लिए आपको एक पेपर पेन लेकर के बैठना होगा और एक बेसिक कैलकुलेशन करनी होगी कि भाई अगर मैं इस दुकान को एज इट इज रेंट पे देता हूं तो मेरे को चार हज़ार रुपये महीने का आएगा तो अगर सात आठ हजार रुपये की महीने की सेल हो रही है उसमें सारे खर्चे निकाल दो अभी भाई की सैलरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टॉक कहीं से ले करके आना है उसमें भी खर्चा होता है कुछ स्टॉक कई बार खराब भी हो जाता होगा वेस्टेज भी होती होगी कुछ कई बार रिटर्न भी आ जाता होगा

इस काम के अंदर यानी सेल्स के अंदर ये दिमाग लगाओ कि मैं अपने आप को कैसे ग्रो कर सकता हूँ पूरा इस पे पूरा इस फिर मैं पूरा लेकर के आ जाओ अगर ये अच्छा चल रहा है तो वो अंदर की बात क्या है वो आपको पता है, मुझे नहीं पता क्योंकि तो यहां पर आकर के आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो आई डोंट नो कि एक्चुअल में क्या आपके टारगेट्स अचीव हो पा रहे हैं क्या कंपनी वाले आपसे खुश हैं तो वो सच आपको पता है मैं जानना भी नहीं चाहता कि वो सच क्या है अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि मैं एक कमाल का परफॉर्मर हूं जिस वजह से वो कंपनी मेरे को पैसा दे रही है तो सेल्स में भाई बहुत पोटेंशियल है इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड बिजनेस एट द डे एवरी बिजनेस इज सेलिंग इवन जॉब इज सेलिंग हम सब अपने आप को अपनी स्किल्स को या अपना जो प्रोडक्ट है सर्विस है उसको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को बेच रहे हैं तो बेचना एक बहुत बड़ी स्किल है इनफैक्ट यह भी कहना गलत नहीं होगा बिजनेस में सबसे बड़ी स्किल्स में से एक है बेचना तो अगर ये स्किल आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो तो यहां से बहुत पैसा कमा सकते हो और दूसरी तरफ से अभी जब मैंने आपसे पूछा कि और आपके माइंड में क्या बिजनेस आइडिया आ रहा है तो आप क्या कह रहे थे कि एंटरप्राइज खोलनी पड़ेगी यानी कि इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज होम अप्लायसेज ये वो वो सब करके हम करेंगे तो उससे जहां तक मेरे को समझ आ रहा है कि आपका जो माइंड है वो बिजनेस में इतना तेजी से नहीं भाग रहा है प्लीज डोंट माइंड इट आई एम टेलिंग इट टू यू एज अ फैक्ट विच आई एम सीइंग इट राइट नाउ क्योंकि अगर वो बिजनेस माइंड होता तो आपके दिमाग में इस वक्त पांच दस आइडियाज घूम रहे होते ऑलरेडी हो कि सर यहां पे ये यह भी किया जा सकता है ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी बट आप क्या कह रहे हो कि वहां पर यही काम चल सकता है क्योंकि यही काम चल रहा है तो दैट मींस यू आर नॉट सीइंग अ गैप इन द मार्केट तो लॉजिकली स्पीकिंग बिजनेस से बेटर आपके लिए यह रहेगा कि जो आप जॉब कर रहे हो वहां पर एक्सेल करने के बारे में सोचो उसमें सोचो कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं किसी किताब में नहीं लिखा है कि सबको बिजनेस ही करना है आपको पहले खुद को समझना है कि आपका दिमाग किस तरीके से चलता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आप मुझे बोलते कि इस दुकान के ऊपर मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं छोले भटूरे खाने के लिए वहां जाता हूँ पहाड़गंज में वहां पर मेरी बात होती है उससे बंदे से जो बनाता है उसको इतनी सैलरी मिलती है वो तैयार है वो वहां से छोड़ करके यहाँ आ जाएगा और अगर मैं यहाँ खोल देता हूँ तो इतना पैसा कमा सकता हूँ बेस्ड अपॉन दिस कैलकुलेशन तो मैं कहता बिजनेस आपके लिए है बट अभी बेस्ड अपॉन आर कॉन्वर्सेशन मेरी रिकमेंडेशन पर्सनली आपको ये होगी कि अपना जो फोकस है वो जो आप कर रहे हो यानी कि ये जो टेलीकॉलिंग का जो आप काम कर रहे हो सेलिंग का काम कर रहे हो इसमें लगाओ दिमाग इसको सोचो और कैसे बढ़ाया जा सकता है और सर एक बार भाई से ही पूछ रहा मतलब उसका जो इंटरेस्ट हो क्या बताओ तो उसमें बिजनेस से ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो आगे करना चाहता हो तो उसको बढ़ा सकता है ना okay. ध्यान से मेरी इस बात को सुनना इंटरेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटरेस्ट तो आपका भी है तभी डिस्कशन कर रहे हो ना तभी उस स्टेशनरी शॉप को और चलाना चाह रहे हो बट मैं बेस्ड अपॉन आर कॉन्वर्सेशन आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसा क्या है आपके अंदर जिसके बेस पर आप आगे लाइफ में और ज्यादा ग्रो कर सकते हो मतलब बेसिकली इसको इस तरीके से देखो कि एक मछली है जो पानी में तैर रही है उसका इंटरेस्ट है हवा में उड़ने में तो हमें क्या समझना है कि उसका इंटरेस्ट किस में है या वो एक्चुअल में अंदर से क्या है दोनों में बड़ा फर्क है ये इंटरेस्ट पैशन ये सारे जो वर्ड्स है ना ये बहुत खतरनाक है क्योंकि तो इंटरेस्ट तो किसी के भी अंदर पैदा किया जा सकता है जैसे आपका भाई है आपसे छोटा है तो उसके पास में मैं आऊं और आकर के उससे स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने लग जाऊं कि ये देख भाई मैं तेरे को एक कहानी सुना रहा हूं ये बंदा है वहां पर यूएस में इसने सौ डॉलर से शुरुआत करी थी यानी आठ हजार रुपए से और आज इसके पास में आठ हजार करोड़ रुपए हैं तो वो कर सकता है तो तू भी कर सकता है चार दिन बाद उसका इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो आपसे लड़ेगा आकर हाँ के कहेगा भाई मुझे पैसा चाहिए ये स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए तो इंटरेस्ट का क्या है इंटरेस्ट तो इतनी सारी बैटिंग एप्स गैमलिंग एप्स चल रही है करोड़ों लोगों का इंटरेस्ट है उसमें दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट यू हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअल में किस काम में अच्छा है ये अच्छा हो सकता है समझ गया मैंने क्या बोला है देखो दोनों में बड़ा फर्क होता है ध्यान से सुनना मेरी इस बात को ध्यान से समझना जब हम बात करते हैं ना इंटरेस्ट की पैशन की तो इंटरेस्ट क्या आपका आउटकम में है या उस काम में है जैसे कोई इंसान बोलता है कि भाई मेरा एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो समझना पड़ेगा कि उसका एक्टिंग में इंटरेस्ट है या हीरो बनने में है दोनों में फर्क देख पा रहे हो बहुत बारीक सा फर्क है हीरो बनने में तो सबका इंटरेस्ट है किसका नहीं है यानी हीरो बनने के बाद जो लाइफ मिलती है वो किसको नहीं अच्छी लगती है सबको चाहिए बट क्या एक्टिंग में इंटरेस्ट है चलो इंटरेस्ट भी है एक्टिंग एक्टिंग में क्या के लिए जो टैलेंट चाहिए होता है या फिर उस टैलेंट के ऊपर इतना काम करना होता है कि वो टैलेंट एक्चुअल में स्टैंड आउट कर सके क्या उस सब में उसका इंटरेस्ट है या सिर्फ हीरो बनना चाहता है वो नाइन्टी नाइन परसेंट लोग जो पैशन इंटरेस्ट इन सब चीजों की बातें करते हैं उनका आउटकम में तो इंटरेस्ट है लेकिन जो उसके लिए धक्के खाने पड़ेंगे Smell. यानी एक्टिंग सीखने के लिए या अपनी एक्टिंग को इंप्रूव करने के लिए धक्के खाने पड़ेंगे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अगर देखना ही है तो ये देखो कि आपके भाई का इंटरेस्ट किस काम में है और क्या उसमें वो कैपेबिलिटी भी है या नहीं है कैपेबिलिटी किस चीज की वो सीखने की वो समझने की फॉर एग्जाम्पल आपका भाई कहता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट ऑन्टरप्रिनशिप में है बिजनेस में है तो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एक ऐसा दिमाग जो खुला हुआ हो जिसको हर तरफ से अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो जहां पर लोगों को दिखता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है वहां पर भी उसको नजर आ रहा हो कि यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है उसका दिमाग चौबीस घंटे ऐसे चल रहा हो अगर ऐसा है तो उसको सीखना पड़ेगा कि बिजनेस होता क्या है तब मेरी जो सीरीज है वो उसके काम की है फिर वो करेगा फिर अपनी गलतियों से सीखेगा फिर जाकर के शायद वो सक्सेसफुल होगा कुछ क्लैरिटी आ रही है आपको मुझे अपना जो मैं कर रहा हूँ ना उस पर मुझे अपना अच्छे से फोकस करना है और भाई को अगर उसका है अगर वो करना चाहता है उसे अच्छे से तो मैं उसे एक बार देखूंगा ऑब्जर्व करूंगा वो करना चाहता है तो मैं उसको वो करने दूंगा तो अब मैं अपनी जो जॉब कर रहा हूँ उसको मैं और सौ परसेंट देना चाहता हूँ अच्छे से बिल्कुल करना चाहता हूँ विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आप कर रहे हो उसके लिए लेट्स